अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं देने वाली हूँ होम टूर मेरे ससुराल का। ये 3 बेडरूम विला टाइप का ही है विद ओपन गार्डन एंड टेरेस, तो मैं दिखाऊंगी आपको। और बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे एग्ज़ाम का क्या हुआ। मेरा एग्ज़ाम तो पनौती बन गया है, 3 बार पोस्टपोन हो गया है। जिस दिन मैं आई ना उस दिन मैं पेपर पेन लेके रेडी थी, और जब मैं यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रही हूँ तो कोऑर्डिनेटर ने बोला, अरे आपको मेल नहीं आया कि हमने मेल किया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। मुझे इतना गुस्सा आया उस दिन ना, तो मैंने मतलब फ़ोन करके मैंने थोड़ा चिल्लाया भी उनको उनके ऊपर कि मतलब ऐसा कैसा हो रहा है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके उनका ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स उनका तो प्रॉपर हो रहा है। लाइक मेरे हस्बैंड का 2nd ईयर का हो गया और 3rd ईयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जबकि मेरा एग्ज़ाम ना उनके साथ ही होना था, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तो फिर से पोस्टपोन हो गया है, पता नहीं कब होगा। और मुझे तो इतना अजीब सा लग रहा है, मैं भूल ना जाऊँ, पढ़ पढ़ के ना रिविजन हो रहा है बार बार, और मैं क्या बोलूँ। खैर जब होगा तो होगा, मैं अपडेट दूंगी आपको। मैं आपको देती हूँ होम टूर कैसा है मेरा ससुराल, में दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेन गेट, यहाँ से शुरुआत होता है। तो बाहर से आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा बहुत झलक मैंने दिखा दिया है प्रीवियस वीडियोस में, बट ऐसा कुछ दिखता है बाहर से। और चारों तरफ यहाँ गार्डन है, हरियाली है। ये कौन सा पेड़ है मम्मी? ये नारियल का है ना, ये नया लगा है तो इसमें नारियल ग्रो होगा। देखिए ये नया लगा है और एक ऊपर नारियल का ऑलरेडी है। ये सब हमारे बाउंड्री के अंदर है। और मम्मी वहाँ खड़ी है, कड़ी पत्ता का झाड़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था दिखाने के लिए। और देखिए यहाँ पे कड़ी पत्ता का झाड़ है। ओ अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से दिखाएंगे। अंदर से गिरने वाली थी, इनको पता है कहाँ से जाना है, मुझे तो नहीं पता। तो कड़ी पत्ता का है, फ्लावर्स का है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब फ्लावर का है। और वहाँ पे सुपारी का है। और ये किचन से ना यहाँ से रास्ता है बाहर निकलने, ये किचन है इस तरफ हमारा, जो लॉक है अभी, लॉक नहीं खुला है ना मम्मी, ये देखिए यहाँ से भी किचन दिखता है, मतलब 2 गेट किचन खुलता है यहाँ से। पीछे जा सकते हैं मम्मी? हाँ। अच्छा, चारों तरफ यहाँ पे ग्रीनरी है इस तरफ से। हम लोग कपड़ा ऊपर डालते हैं इस तरफ, देखिए कपड़ा सुखाना होता तो यहाँ पे सुखाते हैं। इधर हम लोग को बोरवेल है, बोरवेल वही पूछने वाले थे मम्मी, बोरवेल है तो लोग पानी क्यों नहीं निकालते वहाँ से? बोरवेल का पानी है ना थोड़ा नहीं है ना, वो कुआ का पानी अच्छा लगता है, सब लोग पीते हैं। कुआ का पानी अच्छा होता है ना ज्यादा, इसलिए मम्मी को कुआ का पानी। कहाँ है बोरवेल मम्मी? बोरवेल उधर नीचे है, उसका बाद में 9 महीने और टाइम दिखाएगा बोरवेल। अच्छा ठीक है, निकलने का है। अच्छा घास ऊपर आ गया है, बोरवेल है नीचे बोल रही मम्मी। तो पानी मम्मी को कुआं का अच्छा लगता है इसलिए कुआं का पानी पीता है ना। और अभी ये इसका पान का जड़े माँ के लिए, पान का ये वाला मम्मी देखिए, अरे वाह ये देखिए पान का झाड़, ये पूरा पान का झाड़ है नानी के लिए। हाँ नानी माँ को बहुत पसंद है पान। और ये तो ये आ गए देखो, धीरे से आ जा। ये गार्डन है पूरा पीछे इतने, ये हमारा पीछे का एरिया है, मतलब घर के पीछे का एरिया है। धूप कितना है ऊपर से, अभी इन्हें काटा दी, मतलब केला 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 है। हाँ केला है, देखिए छोटा छोटा केला है, देखिए केला है इसमें, छोटा छोटा केला है, पकेगा तो बड़ा बड़ा होगा ना। वो चुक्कू का मैंगो के सीजन में मैंगो आता है, अभी तो सीजन नहीं है ना मम्मी? हाँ नहीं अभी सीजन नहीं है। तो ये पीछे का एरिया है हमारा इस तरह से। यहाँ पे एक बेडरूम अंदर लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो ये पूरा पीछे का एरिया है, यहाँ से पूरा पीछे का है। चलिए चलते हैं अब घर के अंदर। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा ऐसा एरिया है बैल्कनी टाइप का। अलीना बैठ के देख रही है टैब। हाँ और ये सोफा है, ट्रेडिशनल टाइप का सोफा है लकड़ी का। और यहाँ पे है हमारा डाइनिंग एरिया, लाइट ऑन करेंगे एक मिनट। ये है डाइनिंग एरिया और यहाँ पे है किचन, ये देखिए इस तरह से किचन है, शेल्फ वगैरह बना हुआ है इस तरह से है। और मैंने भी दिखाया था ना बाहर में, ये वाला है यहाँ से, ये पीछे का रास्ता है, फिर यहाँ से ऐसा। अब चलते हैं बेडरूम में। तो यहाँ पर एक रूम है, हाँ एक बेडरूम है ये वाला। और इस बेडरूम से निकलते ही एक और बेडरूम है, छोटा सा स्टडी रूम टाइप का है,
यहाँ पे इन्होंने टेबल वेबल लगा के सेट कर लिया है और कोई छुपा है दरवाजे के पीछे। कौन है? गुड्डी। क्यों छुप के खड़ा? कैमरा शाही, सब कैमरा शाही, कोई कैमरे पे आना नहीं चाहता। बाय मिशू, मिशू बाय मिशू। तो छोटा सा स्टडी रूम है ये, और यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग एरिया है इस तरफ, इस रूम के बाहर ही। गेस्ट वगैरह अगर आए ज़्यादा तो यहाँ बैठ सकते हैं, कुछ फंक्शन वंक्शन हुआ तो यहाँ पे चेयर टेबल लगा कर हम बैठ सकते हैं। और यहाँ पे है टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट। और कल जो मैं कपड़ा लेकर आई थी ना, वो कपड़ा मैंने भिगो कर रखा है धोने के लिए। यहाँ देखिए अभी मैं डालूंगी। और यहाँ पर एक बेडरूम, इसमें हम लोग रहते हैं अभी। हाँ, और यहाँ पे वार्डरोब है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है हमारा अभी फिलहाल। और यहाँ पे एक और अटैच टॉयलेट, तो बस इतना ही है। ऊपर का भी, हाँ टेरेस भी, टेरेस भी दिखाना है ऊपर। टेरेस में घूर गई थी मैं, टेरेस पे ले चलती हूँ आपको। और यहाँ मेरी देवरानी बैठकर हेयर बना रही है तो मैं चलती हूँ ऊपर लेकर आपको। और ये है टेरेस का, ये बेडरूम का, सब ये हॉल का खिड़की, ये बेडरूम का खिड़की और स्टडी रूम का, और यहाँ से जाता है टेरेस। चलिए थोड़ा सा गंदा है अभी टेरेस, कोई आता नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, कोई नहीं आता है। और प्लांट्स तो पड़े ऊपर ऊपर आ रहे। तो ये है हमारा टेरेस, इस तरह से है, चारों तरफ ग्रीनरी देख सकते हो, इतना मस्त लग रहा है। और इस तरफ ये पूरा हमारा एरिया है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, जितना भी यहाँ तक पूरा जंगल हो गया है अभी। मतलब गार्डनिंग वगैरह करना चाहो, बड़ा बड़ा ट्रीज प्लांट सब लगा सकते हो यहाँ पे। ये मेरे ब्रदर इन लॉ आए मुझे हेल्प करने, कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे। इस तरफ हम लोग का एरिया है ना गुड्डी, इस तरफ पीछे, हाँ वहाँ तक ना, वहाँ बाउंड्री भी नहीं दिख रहा है वैसे, ऊपर झाड़ है इसलिए नहीं दिख रहा है करेक्ट। और यहाँ टैंक लगा हुआ है, यहाँ से मेन दिखता है ना, मेन गेट। दिन में कितना गर्मी है, और यहाँ से इस तरह से दिखता है नीचे। और नीचे भी एक छोटा सा टेरेस टाइप का, ओ ये पोर्च का है ना, सीइंग कार पोर्च, हाँ वहाँ पे ये बालकनी, हाँ तो ऊपर से कुछ ऐसा व्यू है। सुपारी, सुपारी देखे ऑलरेडी, सुपारी का झाड़ नीचे से देखे, यहाँ से क्लोज दिखेगा ना, देखिए सुपारी का झाड़, पान सुपारी सब है यहाँ पे, पान का दुकान खोल ले क्या तो बस यही तो होम टूर। तो ये वाला प्लांट को ना गुड लक प्लांट बोलते हैं, ये वाला प्लांट को छोटे छोटे कप में बिकता है, मेरे ब्रदर इन लॉ बोल रहे हैं सिटीज में। और यहाँ देखिए झाड़ है कितना बड़ा इसका। तो यही था होम टूर, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और तो फिर ठीक है, मैं आज का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी शाम तक, तो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मिशू को थोड़ा खाना खिलाना है। मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब खाना बनाते बनाते मैंने शूटिंग स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअली किचन में मैं आज बना रही हूँ चिकन चाप, जो कोलकाता में बहुत फेमस है, शादियों वगैरह में बनता है, वही मैं बना रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने मसाला वगैरह प्रिपेयर करके रखा है, ये देखिए ये मसाला प्रिपेयर्ड है। और चिकन को शैलो फ्राई करना पड़ता है, तो यहाँ पर चिकन भी शैलो फ्राई करके मैंने रखा है। अब मैं बनाऊंगी लंच, तो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ वो ये चावल खाते हैं, ब्राउन राइस खाते हैं, तो उसका स्टीमर निकाल रही है, उसको थोड़ा बॉईल करके ना स्टीमर में डाल देती है तो पक जाता है। और यहाँ हमारा चिट चैट चल रहा है, वो सिंक के पास कुछ काम कर रही है, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, तो ऐसा ही होता है हमारा किचन में साथ में। और वो साथ में रहती है, ऐसे नहीं कि मैं काम कर रही हूँ तो जाके बैठ जाती, मैं बोलती भी हूँ तो नहीं सुनती है, तो साथ साथ में हाथ बटाती रहती, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये कोलकाता स्पेशल चिकन चाप बोलते हैं इसे, शादियों में बहुत बनता है हमारे यहाँ कोलकाता में, मुस्लिम्स वेडिंग में स्पेशली। तो मैं दुबई में तो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि पॉपी सीड्स नहीं मिलता है, बैन है दुबई में। इनफैक्ट सऊदी में भी बैन था, तो मे बी पूरे मिडिल ईस्ट में शायद ये बैन है, पता नहीं। अच्छा पानी हो में? अच्छा पानी, ओ बंद किया तूने क्या? अच्छा बनी, अच्छा बनी।
जब दुबई में थी ना तो मुझे इतना खाने का मन करता था ना ये वाला चिकन चाप, बट वही पॉपी सीड नहीं होने की वजह से मैं नहीं बना पाती थी। और इसमें शायद नशे का पदार्थ होता है कुछ, तो इसलिए ना मिडिल ईस्ट में बिल्कुल अलाउ नहीं करते। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेके जाओगे तो कस्टम पकड़ लेता है वहाँ पे। तो मैं कैरी करती हूँ बट बहुत कम, 200-250 ग्राम ऐसा लेके जाती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। तो बस अब ये मेरा खाना बन जाएगा, उसके बाद मुझे थोड़ा सा मिशू के लिए खिचड़ी बनाना है और उसे नहलाना भी है। देखिए मेरी मदर इन लॉ यहीं पे खड़ी है, मैं खाना बना रही हूँ, यहीं पे खड़ी रहती है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो बस हो गया है हमारा लंच रेडी ऑलमोस्ट। और यहाँ पर इतनी गर्मी है ना मैं बता नहीं सकती, मतलब दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात में तो वेदर बहुत अच्छा होता है, मतलब चादर ओढ़ के सोना पड़ेगा आपको, इतनी ठंड होती है। और मतलब दोपहर में आप किचन में खड़े हो जाओ तो हालत ख़राब हो जाती है, पसीने से मैं लथपथ हो जाती हूँ, क्योंकि दुबई में तो मतलब सारा टाइम एसी चलता है ना, सेंट्रल एसी रहता है, किचन में भी एसी का हवा आता है, यहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। बट ये देखिए मैंने मसाला रख दिया है यहाँ पर, और मैं रेसिपी शेयर मैंने ऑलरेडी किया है, फिर से मैं कभी बनाऊँगी ना तो रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो अभी तो मेरा बन गया है ऑलमोस्ट। ये चिकन को शैलो फ्राई करना होता है, उसके बाद मसाला रेडी करके बस मसाले में डाल देना होता है, मसाले को हल्का सा पका के। तो मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ। ये हमारा रेडी हो गया है चिकन चाप, और अब मैं जा रही हूँ मिशू को थोड़ा खिला दूँगी, उसके बाद नहला दूँगी। तो खाना बनाने और खाने के बाद लंच हो गया है हमारा, और मैं आ गई थी यहाँ मिशू को नहलाने, और मिशू को ही मैंने खिला दिया है खिचड़ी, और साथ साथ मैंने बैठा दिया था, खिचड़ी तो हो गया और बस इसे मैं नहला दूंगी, और ये अपना बाथ टाइम एंजॉय कर रही है। जब शुरू शुरू में दुबई आई थी ना, आई मीन यहाँ मैंगलोर आई थी ना, तो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, बट अभी उसे अच्छा लग रहा है। तो हमारा खाना हो गया है और मिशू को भी मैंने खिला के नहला के सुला दिया है, वो सो रही है। और ये कपड़े वपड़े थे तो मैंने डाल दिया है धोकर, ये नए कपड़े मंगाए थे ना मैंने जो, तो वॉश हो गए। और अब मैं जा रही हूँ, मैं भी थोड़ा सो जाऊँगी, मेरा सर पता नहीं थोड़ा भारी भारी हो रहा है, और मेरा एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया, अफसोस हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी एग्ज़ाम के लिए, मैंने बहुत तैयारी करके। देखिए अलीना आ गई। लीना को अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा आ रहा है यहाँ पे दादी माँ के साथ? हाँ दादी माँ बहुत अच्छी लगती है लीना को, है ना? दादी माँ तो फेवरेट है लीना की। तो वही अभी जा रही हूँ मैं, सो जाऊँगी, तो फिर ठीक है, आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।